नमस्कार दोस्तों, चंद्रा किचन डिशेज में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मैंने गैस जला के टोप रख दी हूँ, उसमें एक कटोरी पानी डाली हूँ। अभी और थोड़ा सा पानी डालूँगी, बस इतना ही डालेंगे। यहाँ पे मैंने इतना चीनी ली हूँ, अपने ज़रूरत के हिसाब से चीनी लेना है। यहाँ पे मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप सबको बना के दिखाऊँगी, तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप सब। देखिए दोस्तों, चीनी गल चुका है एकदम से। अब हम गैस को कर देंगे बंद। यहाँ मैं भगोने को उतार ली हूँ और चीनी काफ़ी अच्छी तरह से पिघल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सौंफ। देखिए ये सौंफ है, इसे डालना है। और ये देखिए ये नारियल है सूखा, इसे मैंने ऐसे काट लिया है टुकड़ों में, इसे भी डाल देंगे। यहाँ पे देखिए आटा ली हूँ, ये गेहूँ का आटा है, इसे भी डालेंगे। डाल के हल्के हल्के से ऐसे चलाएंगे। इतना आधी कटोरी आटा डाल दिए थे, सब इसमें थोड़ा सा और डालना है। बस इसे खूब अच्छी तरह से ऐसे फेटेंगे। देखिए बस इतना ही आटा डालना था। अब इसमें हम डालेंगे खाने वाला सोडा है ये, इसको भी मैं डाल ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालूँगी। अब इसे अच्छी तरह से फेटेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से फेटना है ताकि इसमें लम्स ना बने। देखिए ये अच्छी तरह से फेट गया है और इसमें लम्स बिल्कुल नहीं बने हैं। जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो नारियल है। बहुत ही अच्छी तरह से इसे फेट ली हूँ। इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। गैस जला के कढ़ाई रख दिए हैं और जब कढ़ाई सूख जाएगी अच्छे से पानी, तब इस तेल गरम हो गया है। बहुत तेज आंच में इसे नहीं बनाना है। ऐसे पलट देंगे, पीछे की तरफ भूरा हो गया है। ध्यान देने वाली बात है कि बहुत तेज आंच में इसे नहीं बनाना है। देखिए ये बन के तैयार हो गया है और अच्छी तरह से फूला फूला बना है एकदम। इसी तरह से हम बाकी भी छान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने आटे का गुलगुला बना दिया है, गेहूं के आटे का। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आप भी ज़रूर बना के इसे खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और दोस्तों, इसे मध्यम आंच में ही पकाना है। देखिए किस तरह से ये पका हुआ है, एकदम सोखते की तरह हो गया है। और जब ये ठंडा हो जाए तब इसे खाना चाहिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे हैं आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।